नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अब साल नहीं, महीने नहीं, दिनों की बात है, हिंदुस्तान का अपना कोरोना वैक्सीन आने वाला है, यानी 2021 वैक्सीन वाला साल होगा। 2020 की कड़वी यादों को भूलकर 2021 की ओर बढ़ते हुए आपको ये जान लेने की जरूरत है कि इस वैक्सीन में आपके लिए क्या खास हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही उन खतरों से भी हम आपको आगाह करेंगे जिसे इस समय पूरी मेडिकल कम्युनिटी आंक रही। ये समय पुकार उठा फिर से, ये दौर भारत महान का है, भारत की इच्छा शक्ति और भारत के जय विज्ञान का है। लैब्स के अंदर विज्ञान दधीचियों ने हड्डियां गलाई। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है, वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है। और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। लैब्स के बाहर देश ने उम्मीदों का दामन छूटने न दिया। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। सुनिए, महसूस करिए, बार बार ये कहकर विश्वास करिए कि वो डोज जिंदगी की अब तैयार है। कितनी बड़ी अचीवमेंट हम माने भारतीयों के लिए कि दुनिया के जो टॉप 5-6 देश हो रहे हैं जो अपना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। ये एकदम बहुत सही बात है कि काफी तेजी से वैक्सीनेशन पे एक वैक्सीन तैयार करने का काम हुआ है, और ये मैं कहता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन हिस्ट्री में, कि इतने जल्दी काफी सारी कंपनियों में हाथ लगाकर एकजुट कर अलग अलग तरीकों की वैक्सीने जो बनाई है, उसमें गर्व की बात यह है कि इसमें भारतीय कंपनियां भी जुड़ी हुई थी, भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय कंपनियां भी पूरे इसमें जुड़ी हुई थी, और 3-4 जो अलग अलग कैंडिडेट्स है उनके क्लिनिकल ट्रायल्स भारत में भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ऐतिहासिक दौर है जिसके वजह से हम गुजर रहे हैं। दुनिया लगी थी वैक्सीन के निर्माण में, भारत को भी अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं पर भरोसा था। एक दिन भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन बना लेंगे, इसमें तो संदेह नहीं था, लेकिन हर बीतते दिन के साथ कोरोना मीटर संक्रमण और मौतों को जिस तरह बढ़ा रहा था वो डराता था। अब भारत के वैज्ञानिक देश को दुनिया की श्रेष्ठतम वैज्ञानिक का तोहफा देने को तैयार है। कोरोना पर महाविजय के सारे संकेत तैयार है। एक हैप्पी न्यू ईयर होगा वाकई, ऐसी उम्मीद तो सभी लोगों को है कि 2021 काफी अच्छी नई खबरें ले आएगा। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। जरा सोचे हम कि जब कोरोना ने एंट्री ली थी तब देश के पास वेंटिलेटर, टेस्टिंग लैब्स, यहाँ तक कि मास्क उपलब्ध नहीं थे। जरा सोचिए अब कि हमारा देश, हमारे देश के विज्ञान मनीषी उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन के ब्रह्मास्त्र तक का निर्माण कर चुके हैं। आसान नहीं था, लेकिन यही भारत है और यही है भारत की इच्छा शक्ति।
साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। बस चंद दिन और जब पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन का डंका बजना शुरू हो जाएगा। आज बातें कोई भी देश बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन नजरें सबकी भारत पर टिकी हैं। जिस दिन के लिए कोरोना वॉरियर्स ने अपने प्राण गंवाए, जिस दिन के लिए साइंटिस्ट्स ने अपनी हर खुशी ताक पर रख दी, वो दिन बस आने को है। जब ये मर्ज दुनिया के सामने आया था तो सबके लिए नया था, डॉक्टरों के लिए खास कर किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाए। कुछ अस्पतालों को कोविड ओनली अस्पताल बना दिया गया और वहां पर इलाज की शुरुआत कर दी गई, लेकिन इसके साथ साथ इसके समानांतर वैक्सीन की तलाश शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान में जिन संक्रामक रोगों के लिए पहले से वैक्सीन पर काम हो रहा था, देखा गया क्या कोरोना का काम वहां से निकल सकता है। आज हिंदुस्तान उस स्थिति में है कि वो दुनिया को उत्पादन के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, कीमत के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन दे सकता है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है। और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। भारत ने अपनी विलक्षण क्षमताओं से दुनिया के विकास में हमेशा से ही अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। वैक्सीन के दावे भले दुनिया के कई देशों ने किए हों, लेकिन जिस बड़ी मात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से वैक्सीन की प्रति डोज कीमत क्या रहेगी, ये बहुत मायने रखेगा। वैक्सीन कितनी सुरक्षित रहेगी, ये सबसे बड़ी चिंता रहेगी। वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता के मापदंडों पर कौन खरा उतरेगा, ये सवाल भी रहेगा। लेकिन दुनिया जानती है इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, भारत, भारत की क्षमता, भारत की गुणवत्ता। करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना। हम आपको आज बताते हैं कि जब हम लॉकडाउन की मुश्किलों से झुंझला रहे थे, संक्रमण रोकने की कोशिशों के लिए अनिवार्य मास्क और 2 गज की दूरी से उकता रहे थे, तब हमारे देश के वैज्ञानिक लैब्स में क्या कर रहे थे। कोरोना की दस्तक के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में अपना अस्तित्व खोकर आखिर क्या पाया। विजय की तैयारियां कोरोना संक्रमण की पहली चुनौती के साथ ही शुरू हो चुकी थी, और आज हम आपको बताते हैं कि भारत की कौन सी स्वदेशी वैक्सीन इस समय आगे है। याद कीजिए, लॉकडाउन की जंजीरों ने जब पूरी दुनिया के साथ हमारे देश को भी जकड़ रखा था, तब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सबसे पहली उम्मीद जिंदगी को बचाने की दिखाई थी।
We've worked out that in about 2 weeks' time, we should be able to produce at the rate of 5 million doses a month, and then scale that up to 10 million doses a month after about 6 months. आज कोविशील्ड नाम से यही वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। भारत के 17 सेंटर्स पर तीसरे दौर के परीक्षण से यह वैक्सीन गुजर रही है। कोवैक्सीन ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन यानी पूरी तरह मेड इन इंडिया। ये वैक्सीन भी परीक्षण के अपने अंतिम चरण में है। भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर ये ट्रायल कर रहे हैं। भारत के 21 केंद्रों पर 25,000 लोगों पर इसका ट्रायल चल रहा है। स्वदेशी होने के कारण ये दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है। ये जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन होंगी जो इंडिया में ही डेवलप हुई हैं, क्या इनको बाकी वैक्सीन पर एज होगा? क्या ये ज्यादा सूट करेंगी एक भारतीय को? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये ग्लोबली मानना गया है कि जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, या भारत बायोटेक की हो, ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन स्टोरेज या कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे नंबर पर है ज़ाइकोव डी। अहमदाबाद स्थित ज़ाइडस कैडिला इसी महीने वैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण शुरू करेगी। ज़ाइडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। इन तीनों वैक्सीनों से ही देश को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि कई और वैक्सीन्स पर काम चल रहा है। इस रेस में बाजी मार सकती है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी जाएगी। As of yet we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will produce their purchase, but the indication is 300-400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public. सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमत का भी ऐलान कर दिया है। जरूरी दो खुराक की कीमत अधिकतम ₹1,000 होगी। वैक्सीन अगले साल जनवरी के अंत तक आ सकती है। आम लोगों को ये वैक्सीन भारत में अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की निगरानी में ही ये सारा काम चल रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक बेहद तेजी से भारतीय विज्ञान दुनिया में परचम गाड़ रहा है। और जहां तक कोरोना की वैक्सीन को हासिल करने का सवाल है तो दुनिया के तमाम देश उस ओर निगाहें टिकाए हैं, लेकिन भारत कोरोना वैक्सीन को अपने देश के लिए बुक करने के मामले में अव्वल। संक्रमण से जाती हर जान विकास और मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। भारत हर जान की कीमत समझ रहा था। यही वजह है कि अपना पूरा सामर्थ्य एक्सपेरिमेंट्स में झोंक दिया। अपनी पूरी ताकत जहां से भी वो डोज जिंदगी की मिलने की उम्मीद दिखती वहां लगा दी। कभी एक वेंटिलेटर भी बड़ा सवाल था, आज दुनिया की सबसे ज्यादा डोज अपने देश के लोगों के लिए सुरक्षित करने वाला भारत है।
ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1.6 अरब खुराक हासिल कर ली है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद यूरोपीय संघ, जो कि यूरोप के कई देशों का समूह है, उसने 1.58 बिलियन खुराक सुरक्षित की। अमेरिकी सरकार ने संभावित कोरोना वैक्सीन की लगभग 1.01 अरब डोज सुरक्षित की। ग्लोबल वेल्थ मैनेजर कही जाने वाली संस्था क्रेडिट स्विस के अनुमान के अनुसार भारत को अपनी व्यस्क आबादी के अधिकांश हिस्से का टीकाकरण करने के लिए करीब 1.7 अरब वैक्सीन की जरूरत होगी। आंकड़ों से पता चलता है कि कई देश वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा डोज हासिल करने की दौड़ में हैं, हालांकि भारत ने बुकिंग के हिसाब से इसे अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। ज्यादा आय वाले देशों में अब तक 3.8 अरब डोज की खरीद की पुष्टि हो चुकी है। अपर मिडिल आय वाले देशों ने 82.9 करोड़ डोज हासिल की है और निम्न मध्य आय वाले देशों में अब तक 1.7 अरब से ज्यादा डोज खरीद की पुष्टि हुई। जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की तैयारी की है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। एक तो दुनिया ये देखेगी कि भारत कैसे 1.25 अरब की आबादी को सुरक्षित करता है, और दूसरे ये कि कैसे संकट की इस घड़ी में दुनिया की मदद करता है। कम कीमत वाली वैक्सीन के जरिए या दुनिया को खुराक मिल सके ऐसी प्रोडक्शन क्षमता से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वैक्सीन के साथ वो कौन से खतरे आ रहे हैं जिनके इलाज के लिए दुनिया भर की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से कमर कसे हुए, कितना खतरा हो सकता है इसके साथ दिखाई। फाइजर वैक्सीन दुनिया का पहला वैक्सीन माना जाएगा किसी देश ने जिसे औपचारिक मान्यता दे दी। हालांकि रूस स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा था, चीन की तरफ से भी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा था, और अब भारत की अपनी वैक्सीन भी आ रही है। जहन में यह सवाल उठना सामान्य है कि इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन आ गया, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी कोई वैक्सीन इतनी तेजी से नहीं आई थी। लेकिन इसके साथ ही आ रही है कुछ चुनौतियां जो खासकर भारत जैसे देश के सामने है। से बाहर निकलने को है, मानव इतिहास की सबसे काली रात ढलने को है, और यही वो समय है जब पूरे देश को एकजुट होकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती है। इसलिए ये आशंकाएं निर्मूल नहीं, क्योंकि अफवाहों के पैरों के निशान नहीं पड़ते और बुरी नियतों की गहराई को मापना संभव नहीं। किसी भी तरह के सामूहिक टीकाकरण जैसे अभियानों में अफवाहों का पुराना रिकॉर्ड देश के पास है, इसीलिए प्रधानमंत्री संपूर्ण विपक्ष की शक्ति के साथ सहयोग का आश्वासन चाहते हैं देश से, ताकि संघर्ष बेकार न जाए। सरकार के सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां हैं। वैक्सीन को दूर दराज इलाकों में जरूरतमंदों तक पहुंचाना और वैक्सीन को लेकर लोगों का विश्वास हासिल करना। ये ठीक है कि वैक्सीन आ चुकी है, हर जरूरी परीक्षण और निरीक्षण के बाद आई है, लेकिन जिस जल्दबाजी में ये तैयार हुई है उसके कारण भविष्य में इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी कोई रिसर्च या डेटा किसी के पास नहीं। प्रधानमंत्री का अपना विश्वास अपनी जगह है, लेकिन जनता की शंकाएं अपनी जगह हैं। हमने जनता के मन की बात भी समझने की कोशिश की। हमने लोगों से पूछा कि उन्हें वैक्सीन पर कितना भरोसा है। ट्रायल करके देखना चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब असर, उसके बाद एक नॉर्मल आदमी देखेगा कि हाँ ये चीजें हो रही है, तब नहीं मैं अभी ट्राई नहीं करना चाहूंगा अपने पे नहीं। हो सकता कोई ऐसी दवा आप आज तक के बनी है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो? हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। आप एक नॉर्मल पैरासीटामॉल भी खाते हैं तो नॉर्मल पैरासीटामॉल का भी एक अपना साइड इफेक्ट होता है।
वैक्सीन आएगी तो क्या बेझिझक लगवाएंगे? हाँ बिल्कुल होगी, झिझक तो महसूस होती ही है, नई चीज कोई भी वैक्सीन हो झिझक तो होती ही है, लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए लगवाना तो पड़ेगा। क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोगों के मन में डर है? ऐसे पहले तो कोई नहीं लगवाएगा, हम भी नहीं लगवाएंगे जब तक गवर्नमेंट का ये आएगा कि नहीं उन लोगों पे सक्सेस हो गया है, स्टेट लेवल पे इन लोगों पे सक्सेस हो गया है, धीमे धीमे लगवाएंगे। और जब लगने लगेगी तो आदमी खुद अपने घर से निकल के खुद आएगा और खुद लगवाएगा। ऑक्सफर्ड सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल के दौरान साइड इफेक्ट का एक केस सामने आया। चेन्नई में एक 40 साल के शख्स ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने आरोप को सिरे से खारिज किया और वॉलंटियर पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा कर दिया। लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद देसी कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में हिस्सा लिया और वो 15 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में मन में आशंकाएं लाजमी है। दुनिया भर के सभी वैक्सीन के साथ कभी न कभी ऐसी कोई न कोई असफलता जुड़ी है। हालांकि कोवैक्सीन के निर्माताओं की दलील है कि उनका टीका डोज के एक निश्चित कोर्स और समय के बाद असरकारी होता है। हमको दो डोज देना है, वो भी 28 दिन दोनों में गैप रहना है। अब विज साहब को एक डोज मिला था, एक डोज देने के बाद में थोड़ी प्रतिकार शक्ति जागृत होती है कुछ लोगों में जो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती है, लेकिन उनको जब दूसरा डोज देंगे तो ही वो वैक्सीन की प्रतिकार शक्ति हमको दिखाई देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। कोरोना का खौफ सबने जिया है, कोरोना के बदलते रूप और संक्रमण के तरीकों को लेकर सबने कितनी कितनी थ्योरी सुनी है। आसान नहीं है वैक्सीन पर एकदम से भरोसा कर पाना, सरकार को प्रशासन को इसमें सकारात्मक और बड़ी भूमिका निभानी होगी। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई वैक्सीन इतनी जल्दी समय में इतने कम समय में डेवलप नहीं की गई पूरी दुनिया में, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अभी तक वैक्सीन आई भी नहीं है कई दशक बीत जाने के बाद भी, तो इस वजह से कई जो नए सेयर्स थे वो अपनी तरफ से बहुत सारे डाउट्स उठाने लगे कि इतनी तेजी से अगर किया जाएगा तो इसके अपने साइड इफेक्ट्स और अपने नेगेटिव पहलू एक हो सकता है। क्या हम ये समझें कि पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जो ये स्वदेशी वैक्सीन हमारे सामने आने वाली है वो उन सारी आशंकाओं को दरकिनार करके है? बिल्कुल, इसमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन है वो कोविड को एक साल ही हुआ है, लेकिन जो कोविड को वैक्सीन बनाने का जो प्लेटफॉर्म था वो कई सालों से चल रहा है, चाहे हम मर्स कोरोना वायरस जो एक और वायरस है मिडिल ईस्ट में, या पहले जो सार्स हुआ था कोविड 1, उसके रिसर्च के बेसिस पे कई नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी। और जब ये पैंडेमिक हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास एक बेस था जिस पे हम वैक्सीन जो नए प्लेटफॉर्म है उन पे ट्राई कर सकते थे। जिस तरीके से पोलियो जब इम्यूनाइजेशन की बारी आई थी तो बहुत लोगों को एजुकेट करना पड़ा था, तो लोगों के मन में ऐसा डर हो सकता है, वहम हो सकता है जिसे दूर करने की भी जरूरत है। ये चुनौती तो हर दम किसी भी देश के सामने में होती है। तो आपने सुना होगा कि क्लासिकल केस की पाश्चात्य देशों में लोगों को मीजल वैक्सीन देने के लिए काफी उनको ये करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि हमारे देश की जनता थोड़ी ज्यादा जागरूक है और इस वजह से पोलियो अभियान भी काफी अच्छा रहा था हमारे देश में और पोलियो का निर्मूलन भी हो गया था पूरी तरह से। चुनौती ये रहेगी कि ये वैक्सीन जो है वो एडल्ट्स को भी दी जा रही है, पोलियो वैक्सीन जो थी वो ज्यादातर बच्चों में दी जा रही थी, ये एडल्ट्स को भी दी जा रही है, तो ये थोड़ी चुनौती तो रहेगी, लेकिन वैसे हमारे देश की जनता जो है वैसे काफी जागरूक है। कोरोना ने जिंदगी और जिंदगी को देखने सोचने का नजरिया बदला। वैक्सीन सुरक्षा की ओर एक कदम तो है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इसके साथ साथ वैज्ञानिक शोध भी जारी रहना जरूरी है। क्या कोरोना की ये जो वैक्सीन बन रही है, और सिर्फ हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं बल्कि समूची दुनिया की वैक्सीन, उनके साथ कोई खतरा भी जुड़ा है? हमने देखा किस तरीके से हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने खुद आगे आकर वॉलंटियर किया कि वो ट्रायल करवाना चाहते हैं खुद पर, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस तरह की चीजें कितना बड़ा खतरा होती है, कितने बड़े खतरे का संकेत होती है, इन चीजों को समझना भी जरूरी है। वैक्सीन बनी है, अभी अधिकारों की जंग बाकी है। वैक्सीन मंजूर हुई है, लेकिन अभी कारोबारी हित साधना बाकी है।
अमेरिका में बनी वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिली तो अमेरिका में बखेड़ा खड़ा हो गया। वैक्सीन के कारोबार और अधिकारों को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गईं। दरअसल हुआ ये कि ब्रिटेन ने अमेरिका की जिस फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी उसने ब्रिटेन के साथ अमेरिका में भी 20 नवंबर को अप्रूवल की अर्जी दी थी। जर्मन कंपनी बायोएनटेक की वैक्सीन को अमेरिका में बनाया गया है। वैक्सीन को विकसित करने के लिए पैसा अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दिया। फाइजर का दावा है कि ये वैक्सीन 95% असरकारी है। सब कुछ हुआ अमेरिका में और मंजूरी ब्रिटेन में, ये बात अमेरिका को पच नहीं रही, लेकिन ब्रिटेन इसको लेकर खासा उत्साहित है। That's the hope. You know, ये सारे वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में अहम साबित होंगे। लगभग एक साल से जो लोग परेशानी झेल रहे थे, आखिरकार उसका अंत होगा। ब्रिटेन के लीड लेने के बाद अमेरिका पर जबरदस्त दबाव है। वो जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी देना चाहता है, लेकिन वैक्सीन को मंजूरी देने वाली अथॉरिटी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA इसके लिए तैयार नहीं है। FDA चीफ के अनुसार मंजूरी देने में ज्यादा समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि ड्रग कंपनी के निष्कर्ष पर भरोसा करने की बजाय आंकड़ों को देखकर निर्धारित किया जाएगा कि ये सुरक्षित है या नहीं। COVID-19 वैक्सीन निर्माण और वितरण की व्यवस्था के लिए अमेरिका में ऑपरेशन वार्प चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य जनवरी 2021 तक COVID-19 की प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक हासिल करना है, लेकिन अमेरिका इस रेस में ब्रिटेन से पिछड़ गया। चीन ने अपने 4 वैक्सीन्स और रूस ने अपने 2 वैक्सीन्स को फेज 3 के ट्रायल से पहले ही मंजूरी दे दी थी। ब्रिटेन ने जिस दिन फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते से रूस में बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी के टीकाकरण का आदेश दिया है। रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की 20 लाख से ज्यादा खुराक तैयार कर ली। सबसे पहले शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को वहां वैक्सीन दी जाएगी। एक दौर था जब उम्मीद की हर किरण आंखों से उझल थी। एक समय ये है कि छोटी छोटी कांच की शीशियों से जिंदगी झांक रही है। एक वक्त वो भी होगा जब कोरोना इतिहास के पन्नों में गर्क हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक वैक्सीन की सफलता का सही पैमाना क्या होने वाला है। आप देखते रहिए आज तक। किसी भी वैक्सीन को सही मायने में सफल होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? केवल सभी लोगों का वैक्सीनेशन, जो कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में थोड़ा कठिन नजर आता है, वो पर्याप्त नहीं होगा। जो सावधानियां हैं वो बरतनी कम से कम थोड़ा बहुत जरूरी रहेंगी। वैक्सीन के आने की खबर के साथ ही 2 मुख्य सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी वैक्सीन, या सबको जरूरत नहीं है वैक्सीन की? आइए इन दोनों सवालों के साथ वैक्सीन का गणित समझ लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे उपायों के बिना महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन को कम से कम 80% प्रभावशाली होना चाहिए और 75% आबादी को वो लगनी चाहिए। अगर वैक्सीन 60% प्रभावी है तो 100% लोगों को वो लगानी ही पड़ेगी। दुनिया को जल्दी और बड़ी आबादी के लिहाज से वैक्सीन चाहिए। हालांकि अगर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण किया जाए तो कम प्रभावी वैक्सीन भी बिना 100% लोगों को लगाए महामारी को खत्म कर सकती है। कोरोना संक्रमण का पहला केस आने के 1 साल बाद ब्रिटेन ने पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, लेकिन सावधानी और सतर्कता इसीलिए जरूरी है क्योंकि जीवन को बचाने के लिए प्रयोग अभी सबसे नाजुक दौर में है। जरा सी लापरवाही सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। वैक्सीन असंभव समय में बनकर तैयार हो रही है। अब जरूरत है असंभव समय में ही इसको लोगों तक पहुंचाने की, ताकि सुरक्षित रह सके हम सब। सबके मन में सवाल ये उठता है कि क्या दवाई के बाद ढिलाई हो सकती है? तो आपको बताते हैं कि दुनिया के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञों में से हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी। उनका कहना है कि वैक्सीन के आने से आप सावधानी को हवा में न उड़ा दें, क्योंकि ये लगभग वैसा होगा जैसे युद्ध खत्म होने वाला था और आखिरी सैनिक मारा गया।
आप वो व्यक्ति नहीं होना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।